कब कितने कितने महीने से डायलिसिस करा रहे हैं? एक महीने से एक बार में दो बार कर रहे हैं। अच्छा जी अब मैं बोले सारा कर लियो इंशाल्लाह पकड़े विड़क रहे हो। औज बिल्लाह मिन शैतानी रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बना लेता हूँ अल्लाह के शैतान मर्दों से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहन, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सेहत को बचा लो बीमारी पकड़ने से पहले, यानी किडनियाँ को बचा लो किडनियाँ फेल होने से पहले। हाँ, और किडनियाँ हमेशा अच्छे रहना तो क्या करना, ज़िया सोचना नहीं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं मुल्क, हाँ, बेटियां का, बेटे दां का, पोतरिया का, नवासियां का, पूरी दुनिया का सुस्त ना भाती किटियां जाते सो। हम ना कितना होना उतना सोच लेना, हमारी फिक्र में हमें जी लेना सो, बात समझ रही है। और ज्याद गुस्सा करना नहीं, ज्याद गुस्सा कर तो भी किटियां सुखड़ जाती, ज्याद सोचे तो भी किटियां सुखड़ जाती, ज्याद गुस्सा कर तो भी किटियां सुखड़ जाती, और डरे तो भी किटियां सुखड़ जाती। डरना भी नहीं, ये तीन चीजें छोड़ डाले किडनियां अच्छे होते आ जाती। और किडनियां अच्छे होना तो अब सुखड़ गई, अब डायलिसिस कर रही, अब उनके अच्छे होना क्या करना, 30 पीपल के पत्ते, ये पीपल के पत्ते 30 डालना और 50 ग्राम घोकर के काटे दाल को, ऐसा डेढ़ बाटल पानी दाल को पका को एक बाटल बना लेना, एक बाटल पानी पिलाना इनको शाम तक, एक बॉटल पानी, एक बॉटल कषाया, वो एक पौना लीटर, एक पौना लीटर, डेढ़ लीटर पानी इनको एक दिन में। अब इनके कितने अच्छे हुए तक ज्यादा पानी पीना नहीं, आधे घंटे को एक गुट, आधे घंटे को एक गुट, आधे घंटे को एक गुट ऐसा पीना सो। और गोश्त मच्छी अंडा क्या भी नहीं खाना 3 महीने, और ड्राई फ्रूट नहीं खाना, बादाम खजूर पिस्ता ये सब ड्राई फ्रूट भी नहीं खाना, फली पीना ये सब नहीं खाना, बाहर के रेडीमेड चीजा कोसे भी खाना नहीं, मूंग की मूंग भाजी, हाँ, रखमे वाली भाजी डालो आप, मूंग डालो और तुम्हारे घर के पास ही मिलती है दूधी, बोलकर दूधी ठिकरी की भाजी, हाँ, और नूनी साग भी वो सब घर के बाजू मिल रहा है, वो ले को मूंग ले को दाल को फर्स्ट क्लास पका को खिलाओ नहीं। और 3 महीने जो है ये कषाया आधे घंटे को एक गुट देना। अब ये पीते रहे क्या होता है, ये गुट मार ले तो 4 रोटी खा पे तक गोश्त खाने का पोर मिलता है, ये पिए तो भूख नहीं लगती क्योंकि इसके अंदर 200 जड़बूटियां ही। अच्छा, ये गुट मार ले तो भूख नहीं लगती, डरना नहीं, ये खाइए पिए जब से मेरी भूख चलेगी ना, क्या कि खाने खाना खाना खाने हो रहा नहीं ना, बोलो तुम्हें भी घाबरे नहीं होना, घर में भी जुलम से तुम्हें खिलाना नहीं, चाहत हुई तो खाना, भूख लगी तो खाना, फिर भूख रहे थे कि छात धो लेना, एकदम पेट भर को खाना नहीं। 4 महीने तक ये पाबंदी कर लिए, 4 महीने में तुम्हारी किडनियां फिर रिकंडीशन हो रहा इंशाल्लाह। और शाम को सोने के टाइम क्या करना, एरंडी का तेल 1-2-3 चमचे इसमें एक आधे कप में हला को पिलाना, और सुबह को जैतून का तेल 1-2 टीस्पून हला को पिलाना, और दोपहर में खोपरे का तेल 2 चमचे दोपहर में पिलाना, ऐसा महीने में 30 बाटला होती है। अब इनका खाना भी अच्छे, इनकी दवा भी अच्छी, पीपल के पत्ते का पानी और ये कलौंजी के कषाया खाना, पहला महीना 30 बाटला, दूसरा महीना 20 बाटला, तीसरा महीना 10 बाटला, चौथा महीना 5 बाटला, 4 महीना में रेडी हो जाती हूँ। तो इंशाल्लाह ऐसा कर लिया तो इनकी बीमारी दफा, बस शर्त के इन्हों डरना नहीं, क्योंकि अल्लाह वाले डरते नहीं, अल्लाह वाले मरते नहीं, हाँ रहे तो यहां, नहीं तो जन्नत में बादशाह बन को चले आते। उसके बाद अल्लाह क्या फरमा रहा है, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात, सबर के साथ नमाज के साथ अल्लाह से मदद ले, अल्लाह तेरे साथ है, गया अल्लाह तेरे शारक के करीब हो गया, वो इन्नहाला कबीरतुन, ये बहुत बड़ी चीज का अल्लाह, ये ऑर्डिनरी मुसलमान से होता नहीं, कौन जुम्मा जुम्मा नमाज पढ़ती ना उनके हाथ से होता नहीं,
ठीक है तो जुम्मा को ईमान रखो, हफ्ते को फिर भी मुनाफिक बन जाते हो, हाँ नहीं तो रमजान आया तो मुसलमान बनती, 30 दिन रोजा रखो नमाज पढ़ो, रमजान जाते ही फिर मुनाफिक बन जाते, नहीं तो बकरीद आना, बकरीद में मुसलमान बनती, बकरा की क्रा खाट 3 दौर नमाज पढ़ती, बकरीद जाते ही फिर काफिर बन जाते, हाँ नहीं तो मेलादुल नबी का महीना आना, हाँ नहीं तो मुहर्रम आना, जब तेरते एक साल को एक बार मुसलमान बनते तो आईसियां के हाथ से होता नहीं गया, उसे स्पेशल मुसलमान होना गया। स्पेशल मुसलमान कौन? इल्ला अलल खाशीन, खाशीन स्पेशल मुसलमान, खाशीन कौन? अल्लज़ीना याज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैही राजून, खाशीन लोग वही जो अल्लाह को मिलने की आरजू रखती, अल्लाह को देखने की चाहत रखते, ये खाशीन लोग क्या, जैसे रसूल करीम सल्लम रात का टेम उठते तहज्जुद नमाज में अल्लाह से बात करते, ए अल्लाह तू कैसा है मौला, अल्लाह मैं कब आना सो तेरे पास, तू कब मुझे बुला लेता सो, मैं कब तुझे देखना सो, मेरी तेरी जन्नत को कब देखूं, तेरे हुरो मलाइक को कब देखूं, इस तरह हर रात में उठको एक 10-15 मिनट अल्लाह से बात करना, अल्लाह से ताल्लुकात जोड़ लेना, अल्लाह से मोहब्बत लगा लेना, लगा लिया तो इंशाअल्लाह यहां भी खुशहाल रहती, मरते के मन जन्नत में बादशाह बनकर चले आते, फिर जन्नत में जवानी मिल जाती है, वहां बुढ़े नहीं, वहां जन्नत में जवानी और जन्नत में दाढ़ी नहीं, यहां दाढ़ी रखना, यहां दाढ़ी मुंडाए तो बकरे का सिर बुनती ना कुलमी में जाकर, वो क्यों बुनती, लंबे सलाखा गर्म कर लेको, काना में नाक में सब डालते रहते, वैसा जहन्नम में फरिश्ते डालते रहते, एक एक बाल की सजा दाढ़ी मुंडाए तो, मरने से पहले तोबा करको अल्लाह के हवाले चेहरा कर डालना, यानी दाढ़ी रख लेना, जन्नत में दाढ़ी नहीं, और यहां सर झुकाते रहना सुबह दोपहर शाम, जन्नत में नमाज नहीं या हराम चीजा से परस करे, जन्नत में जो है खुशबूदार शराब पिलाता अल्लाह, होता कितने होना होते हुरा देता अल्लाह, कब यहां जिना से हराम खोरी से बचे तो, ये क्या है इम्तिहान की जगह, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है, यहां इम्तिहान गई सो हमें, उसका से शायर बोलता है, क्या लेको आया बंदा क्या लेको जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, ये 2 दिन की जिंदगी 2 दिन का मेला, आया था अकेला जाता है तू अकेला, मगर आया अकेला रोले को, मगर जाने को अकेला रोले को, हाँ साथ में कुरान को साथ ले जा, वो खबर तेरे वास्ते एक नूरानी घर बन को रहता है, एक जन्नत का बगीचा बन को रहता है, कब कुरान को सिखा तो, कुरान को तो पूरा कुरान नहीं बोल रहा, औज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम सीखना, उसकी तशरीह सीखना, उसके माने मतलब को जानना, फिर दूसरों को समझाना, हाँ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की तशरीह सीखना, इसके मालूमात को सीखना, दूसरों को समझाना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ तुझे ही से मदद चाहता हूँ सीखना, फिर दूसरों को सिखाना, ऐसा कर ले को खबर में चलेगा, वो खबर जन्नत का बगीचा बन करता है, और कयामत के दिन और वो कुरान अल्लाह से सिफारिश करता है, अल्लाह जिंदगी में इन्हें हमना ले लिया था, हमना समझ गया था, हम और हमना साथ ले को जीता था, अल्लाह दुनिया को समझाता था, अल्लाह इसे बख्श डाल, अल्लाह इसके गुनाह को माफ कर डाल, अल्लाह इसे जन्नत में बादशाह बना को दाखिल कर डाल, वहां कुरान भी सिफारिश करता है, उसके वास्ते आज से अच्छे दाढ़ी मुंडाने का छोड़ डालो तो बा कर लो, शिरक करते रहे तो बा कर डालो, हाँ एक अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकना, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारना, उठे बैठे अल्लाह ही को पुकारना, इंशा अल्लाह अल्लाह शफा दिया अल्लाह, क्योंकि बात की बोल रहा हूँ, माँ बाप नहीं चाहते कि मेरा बच्चा हमेशा बीमार रहे, मेरे बच्चे की किडनियां चल जाए, मेरे बच्चे को कैंसर आ जाए, क्या माँ बाप चाहते? नहीं चाहते, बहुत से माँ बाप भी नहीं चाहते, क्या अल्लाह को माँ बाप जैसी भी मोहब्बत नहीं, क्या ये दुनिया में कितने माँ बाप पैदा हुई, कयामत तक पैदा होने वाले हैं, सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था अल्लाह, क्या अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा हमेशा बीमार हो जाको, किडनियां खराब कर ले को, कैंसर आ जाको, मरे तो बिल्कुल अल्लाह चाहता है, अल्लाह भी नहीं चाहता, बंदा छोटा बनको सीखना, बड़ा नहीं बनना सीखने के टम्बो, फिर बड़ा बनको सिखाना,
और सिखाने के टाइम वो डरना नहीं किसे भी अल्लाह के सिवा। ऐसा बंदा सीखने सिखाने का मामला शुरू कर लिया, यहां भी ताजा, मरने के बाद वहां भी ताजा। इंशाल्लाह बात सलामत है, फूल खिलते रहेंगे, आपकी मेरी जिंदगी सलामत है, फिर आपसे मिलते रहेंगे। ये कलौंजी का कषाया, हर बीमारी का सफाया, ये 200 जड़ बूटी का पानी है, ये आधे आधे घंटे को एक घुट पीते रहे, इंशाल्लाह 4 महीने में आपकी किडनियां भी अच्छी होती, आपका कैंसर भी खत्म होता है, आपका हार्ट भी मजबूत होता है। और इंशाल्लाह ये शिमोगा से मंगा लो। हाँ, मैं सब जगह बंद कर दिया, हैदराबाद, बेंगलोर, कर्नाटक पूरा बंद, क्योंकि मेरे नाम से डुप्लीकेट बना को बेच रही, एक पूर्णया, एक खंडेर राव, एक मीर सादिर, इन तीन जने मशहूर हो जा रही। हाँ, इंशाल्लाह कयामत के दिन मुंह काला कर ले खड़े रहती इन्हों। हाँ, उसके वास्ते कहीं से भी मंगाओ उनको, शिमोगा से मंगा लियो। इंशाल्लाह मुझे मिलना तो 2 तारीख से 25 तारीख तक शिमोगा अशोकनगर सवेन क्रॉस छानल एरिया बसवण्णा की दुकान के सामने। इंशाल्लाह फोन करको, नाम लिखा को आना, और 6 से 8 तक मुझे डायरेक्ट बात कर सकती, 9343 को। और क्या खाए तो बीमारी नहीं आती, बीमारी से बचना तो कैसा जीना, सब बोल को दे तो रिकॉर्ड कर लियो। 3 राज्यों का टाइम रहता है, 6 से 8 तक इंशाल्लाह। और दूसरा, जो भी दूर से आती, लाट जिंगा में रूम लियो को, होटला में जाको खाओ लोगो, तुमना खाना खाने का भी इंतजाम है, तुमना सोने का भी इंतजाम है, आओ एक दिन रहो, खाओ पियो, सीख ले को जाओ। ये सिखाने के वास्ते बैठी, ये कमाने के वास्ते नहीं बैठी, हाँ तिजारत कर ले नहीं बैठी है, तुमना सिखाने। और जो भी रिश्वत लंचा पूछने वाले आउचनों को आए तो रस्ते में ची, नहीं तो लारिया में की, बस में की ठोस डालता अल्लाह।